दोस्तों अक्सर जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं तो टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन के माध्यम या फ़ोन कॉल के माध्यम से हम क्लाइंट से बात करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि सामने वाले से जिससे हम बात करने वाले हैं वो कस्टमर किस लेवल का है, उस कस्टमर से किस तरीके से बात करनी चाहिए, उसको कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, ये हम नहीं जानते। क्योंकि जो कस्टमर होता है, जब हम उससे पहली बार इंटरेक्शन करते हैं, पहली बार उससे फ़ोन पर बात करते हैं, तो वो हमारे बात करने से ही आइडिया लगा लेता है कि हम प्रोफेशनल हैं या फिर हम अनप्रोफेशनल हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने कस्टमर से पहली बार बात करते हैं, आप कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिन गलतियों की वजह से आप अपना एक पोटेंशियल कस्टमर खो देते हैं, आप एक कस्टमर खराब कर देते हैं अगर आपने सही तरीके से अपने कस्टमर से बात नहीं की। अगर आपने पहली कॉल पे ही कस्टमर के ऊपर अपना इंप्रेशन जमा दिया तो क्लाइंट आपको मीटिंग भी देगा और आपसे बिजनेस भी करेगा, आपके साथ वो पॉलिसी भी ले सकता है, आपसे आपसे मिल भी सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने क्लाइंट को फ़ोन कॉल के माध्यम से इंप्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो से बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करने का मतलब है आप अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं लूज करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमें फोन पर, जब हम क्लाइंट को फोन करते हैं, हमें फोन पर हर तरीके का क्लाइंट मिलता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जिनसे बात करना अपने आप में खुद ही एक चैलेंज होता है। उनसे आप किस तरीके से बात कर पाएंगे ये खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप उस क्लाइंट से सही तरीके से बात करते हैं, उस कस्टमर को आप सही तरीके से हैंडल करते हैं, तो वो कस्टमर कल आपसे बिजनेस भी ले सकता है, वो कस्टमर कल आपसे पॉलिसी भी खरीद सकता है और आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, आप MDRT COT कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमसे बात करते हैं फ़ोन पर और वो इस तरीके से बात करते हैं तो हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी बात सुनकर हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या तरीके हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं, देखिए जब हम टेलीकॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, पॉजिटिव वे में इंट्रोडक्शन देना है और स्माइल के साथ इंट्रोडक्शन देना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं और डायरेक्टली अपना पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, स्माइल के साथ आप क्लाइंट से बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद आप बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको पहले इंट्रोडक्शन जरूर देना है। अब दोस्तों दूसरी जो बात का आपको ध्यान रखना है, आप जब क्लाइंट से बात करें तो बहुत सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं कि उनकी बात समझ ही नहीं आती है। बहुत लोग तो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं और बहुत लोग बहुत स्लोली बात करते हैं, बहुत धीरे से बात करते हैं। तो जो आगे कस्टमर है जो फ़ोन कॉल से आपसे बात कर रहा है, फ़ोन कॉल पर आपसे बात कर रहा है, वो समझ ही नहीं पाता है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो जब भी आप क्लाइंट से बात करें बहुत ही क्लियरली बात करें और सही तरीके से बात करें। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको क्लाइंट की बात को सुनना है। जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो क्लाइंट अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसके सवाल को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उस सवाल का आपको सही जवाब देना है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपको हमेशा पेशेंस रखना है। सपोज आपने क्लाइंट को फ़ोन किया, क्लाइंट रास्ते में है, क्लाइंट बिजी है, क्लाइंट आपका फ़ोन काट देता है या क्लाइंट बात फ़ोन पिक करके फ़ोन काट देता है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। हो सकता है क्लाइंट उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा हो सकता है क्लाइंट उस टाइम पे बाहर हो या वो बिजी हो या किसी मीटिंग में हो, तो आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, आपको पेशेंस बना के रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कॉन्फिडेंस। जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब किसी से सामने वाले से बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है। अगर वो कोई चीज़ गलत भी बता रहे हैं ना तो भी सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है कि इसने गलत बोला है। तो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत चीज़ें झलकती हैं। अगर आप में, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो और आप भले ही सही प्रोडक्ट बता रहे हो, आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ कोई पॉइंट लूज है आपका, आप सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो क्लाइंट से। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे रखें। जब भी आप क्लाइंट से बात करें आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्लाइंट को जो समझा रहे हो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी आपको क्लाइंट पर गुस्सा नहीं करना है। क्लाइंट से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपने क्लाइंट को फ़ोन किया, क्लाइंट बोल देता है ना मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्लाइंट पर गुस्सा हो जाते हो या क्लाइंट बोलता है कि तुम तो फालतू की बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है,
आपको क्लाइंट पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको क्लाइंट पर गुस्सा नहीं उतारना है, हमेशा इस चीज का खास ध्यान रखें। क्लाइंट चाहे किसी भी सिचुएशन में कैसे भी आपसे बात कर रहा है तो आपको पोलाइटली क्लाइंट से बात करना है, अच्छे मूड के साथ बात करना है, फ्रेश मूड के साथ क्लाइंट से बात करना है, उसको समझाना है कि सर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, इंश्योरेंस की क्या महत्वता है, इंश्योरेंस के साथ साथ हम उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता सकते हैं। तो आप क्लाइंट को अगर उसके माइंड में कुछ निगेटिव चल रहा है या फिर वो आपसे कोई गलत सवाल करता है, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो, गुस्सा ना हो, वो पॉलिसी ले या ना ले ये मैटर नहीं करता है, बट आपको कूल माइंड से क्लाइंट से बात करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसके सवाल है उन सवालों का जवाब देना है। ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कस्टमर खो देते हो। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और इन सब चीजों को माइंड में बिठाते हुए ही आपको क्लाइंट से बात करनी है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ वो फोन पर होता है, और फोन पर अगर आपने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपने पहला ही इंप्रेशन क्लाइंट के ऊपर जमा दिया अपना, आपने उसको सही तरीके से कन्वर्सेशन किया, सही तरीके से आपने उससे फोन पे बात की, तो क्लाइंट बिल्कुल आपसे इंप्रेस होगा, वो आपको अपॉइंटमेंट भी दे सकता है, वो आपसे प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, वो आपसे पॉलिसी भी खरीद सकता है। उसके सभी सवालों को सुने, उसके सवालों को सुनने के बाद उनका जवाब दे, जो क्लाइंट पूछता है उनके हर एक सवाल का जवाब दे। जल्दबाजी में ना कॉल को रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसने मना कर दिया, फोन को रख देते हैं, सुने उसकी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको पहले कभी कुछ इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम रही हो, वो कभी ब्रांच में गया हो सकता है उसने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, उसकी बात को सुने, उसके सवाल है उनको सुने, उनके जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, उसको सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और एक चीज, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आप सामने वाले से जिससे बात कर रहे हो वो किस लेवल का आदमी है, हो सकता है वो कोई कंपनी का मालिक हो सकता है वो एक कंपनी का एमडी हो, या वो एचआर में हो, या फिर वो आईटी कंपनी में जनरल मैनेजर है, आप नहीं जानते हैं कि सामने वाला जो कस्टमर है वो किस लेवल का आदमी है। तो हमेशा प्रोफेशनल वे में और गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ बात करें, क्लाइंट से पोलाइटली बात करें, एक एक चीज को आपको ध्यानपूर्वक उससे बात करनी है। दोस्तों एक चीज मैं आप सभी इंश्योरेंस एजेंट्स को बताना चाहता हूं कि जब भी आप टेलीकॉलिंग करें, जब भी आप क्लाइंट से बात करें, फोन पे बात करें, तो आप अलग अलग स्क्रिप्ट लिख लें, आप 2-3 स्क्रिप्ट बना के रखें, उसको लिख लें और उस स्क्रिप्ट को आप याद कर लें, उस स्क्रिप्ट को आप ध्यान से याद करें, और 2-3 स्क्रिप्ट होंगी उनको आप यूज करके देखें। उन स्क्रिप्ट को यूज करेंगे आप, आपने एक दिन एक स्क्रिप्ट का यूज किया, फिर आपने दूसरे दिन दूसरी स्क्रिप्ट को आपने टेलीकॉलिंग के माध्यम से यूज किया, तीसरे दिन आपने तीसरे स्क्रिप्ट को यूज किया, तो आपने ट्राई किया है 3 स्क्रिप्ट। अब इसमें इन 3 स्क्रिप्ट में से जो स्क्रिप्ट अच्छा परफॉर्म करेगी, जिस स्क्रिप्ट का अच्छा रिजल्ट आएगा, उस स्क्रिप्ट को आप यूज करें, राइट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को, और हाँ संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, तो अगर आपके भी कोई सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा संडे रात ठीक 9 बजे।